सिमरिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत कप्सा तक किया भ्रमण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिमरिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने ग्राम पंचायत कप्सा देवेन टोला स्कूल टोला आदिवासी बस्ती डांडी टोला ग्राम पंचायत बिरखाम अंतर्गत गरगान टोला आदिवासी बस्ती हरिजन बस्ती गौतमान टोला यादव बस्ती कोठी टोला यादव बस्ती कुर्मियान टोला पोंडी टोला मैर टोला आदि गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क करते हुए जनता जनार्दन से भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने का आशीर्वाद मांगा। केपी त्रिपाठी ने कहा कि जिस प्रकार से जंगल में शिकारी आता है दाना डालता है जाल बिछाता है और पक्षियों को पकड़कर ले जाता है, ठीक वैसे ही कांग्रेसी आएगा जाल बिछाएगा गलत सलत बातों में उलझाकर जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे सिमरिया के शेरों आप लोग उस जाल में मत फंसना। इन कांग्रेसियों की चाल चरित्र चेहरा और मानसिकता तो आप लोगों को पता ही है कि ये शासन सत्ता में आते ही जनता को पैरों की धूल समझने लगते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने के बाद भी जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं को देवतुल्य ही समझती है और सरकार भी एक परिवार की ही तरह चलाते हुए अपने सभी पारिवारिक सदस्यों का एक समान ख्याल रखती है। केपी त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस को विकास से कोई लेना देना नहीं है, विकास में उनका विश्वास ही नहीं है। सवा साल के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी लेकिन कांग्रेस ने विकास नहीं महाविनाश करने का काम किया है। जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के मुखिया का मध्य प्रदेश से भावनात्मक रिश्ता ही नहीं है, ठीक उसी प्रकार सिमरिया के कांग्रेस उम्मीदवार का भी यही हाल है। अपनी जन्मभूमि के सर्वांगीण विकास के बारे में वही सोच सकता है जो सिमरिया की धरती पर जन्मा हो। इधर उधर उछल कूद करने वाला व्यक्ति जिसमें किसी तरह की स्थिरता ही ना हो और जिसकी जन्मभूमि ही सिमरिया ना हो, उसे भला सिमरिया से कैसा मोह होगा। केपी त्रिपाठी ने बताया कि मेरे विधायक बनने के बाद लगभग 1.5 साल कांग्रेस की सरकार और उसके बाद कोरोना बीमारी के आ जाने के कारण बहुत कम समय मिलने पर ही हमने सिमरिया को सजाने संवारने और सर्वांगीण विकास करने की दिशा में 1600 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दिलवाई है, जिनमें से अधिकतर काम पूरे हो चुके हैं और कुछ अभी प्रक्रिया में हैं। केपी त्रिपाठी ने जनता से मतदान के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे भी जारी रखने के लिए भाजपा को ही वोट करने का आशीर्वाद मांगा। केपी त्रिपाठी ने सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित हुए ग्राम सकरवट और मरहा से मोले सिंह लालजी यादव राहुल सिंह अजय सिंह राहुल साकेत रहीश सिंह मोहन साकेत राज रमण चौबे विवेक सिंह राजलाल यादव दिवाकर यादव बाल मुकुंद अमित यादव अभय यादव रामचंद्र यादव रामशरण रजक प्रवीण विश्वकर्मा ब्रिजेंद्र सिंह लक्ष्मीकांत तिवारी श्रीलाल साकेत प्रधान साकेत राम नरेश साकेत जितेंद्र साकेत पंचा साकेत संजू साकेत रवि सिंह अंजनी साकेत गिरजा साकेत को भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल जिला गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश पांडे जिला कार्य समिति सदस्य एवं सिमरिया विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी जिला कार्य समिति सदस्य श्री कृष्ण द्विवेदी लाला बड़गया शाहपुर मंडल अध्यक्ष उत्कर्ष पटेल उपाध्यक्ष सुदर्शन सिंह राकेश द्विवेदी महामंत्री विद्याधर द्विवेदी मंत्री अनंत सिंह परिहार जनपद पंचायत सिरमौर कृषि समिति के सभापति शांति नारायण पांडे जनपद सदस्य ब्रिजमोहन पांडे अभिषेक त्रिपाठी पूर्व जिला मंत्री सुमन शुक्ला किसान मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष विपिन तिवारी प्रिंस महामंत्री राजीव त्रिपाठी पिंटू धीरेन्द्र सिंह चंद्रशेखर पांडे तुलसीदास पांडे मुनिंद्र पयासी सौखीलाल कुशवाहा लवकुश कोल कमलेश प्रजापति भयालाल कोल भगवान दीन प्रजापति राज ललन द्विवेदी ब्रजराज तिवारी रामस्वरूप द्विवेदी गोरेलाल द्विवेदी रमेश तिवारी राजा गौतम केशव प्रसाद मिश्रा प्रवीण मिश्रा प्रभाकर मिश्रा बाबू मिश्रा रमसिया विश्वकर्मा गंगा कोल मिट्टू साकेत मनभरन साकेत बाबूलाल साकेत मुन्ना साकेत प्रदीप कोल नेता कोल आनंद मिश्रा रोहित तिवारी सुधाधर मिश्रा बलदाऊ तिवारी राम शिरोमणि तिवारी कार्यकर्ता गण सहित स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। द खबरदार से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।